हेलो गाइस, तो एक व्लॉग एंड करके अपलोड कर दिया और दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी रात के 1 बज गए हैं और अभी हम जामनगर पहुँचे हैं। सीएनजी में हमने यहाँ पे गैस डलवा दिया और अब यहाँ से टायर में हवा भर रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं द्वारका के लिए। देखते हैं, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं या जाते हैं, जो भी रहेगा सीन देखते हैं। देखो आप, अभी टाइम हो रहा है 3:41 और गाइस इतना फॉग हो रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा सामने, लेकिन हम पहुंचने वाले हैं, एक्साइटेड है द्वारका जाने के लिए। तो बस करीबन 10 या 15 किलोमीटर ही होगा नजदीक। तो हेलो गाइस, तो अभी 6 बज रहे हैं, नहा धोके कंप्लीट हो गए हैं रेडी और होटल में बुक की थी और अब तैयार होके मॉर्निंग दर्शन के लिए जा रहे हैं मंदिर। तो पहले कुछ चाय और नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे भगवान के दर्शन के लिए। तो चाय भी पी ली, ब्रेकफास्ट भी हो गया, कैसा लगा भाई? अच्छा, चलो अब हम जाते हैं मंदिर के लिए। हेलो गाइस, तो आप पीछे देख सकते हैं द्वारकाधीश का मंदिर और लाइन बहुत ही, 2 घंटे तक हमने लाइन में रहे, उसके बाद हमें दर्शन करने को मिले और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फील्स हो रहा है। और गाइस मंदिर तो बहुत ही, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब चलो जो भी रहेगा सीन देखते हैं। हेलो गाइस, तो मंदिर का दर्शन करने के बाद हम मंदिर के पीछे आए, तो कुछ इस तरह का है देखो आप, और यहाँ कुछ इस तरह से। सो फ्रेंड्स, मंदिर में जाने के लिए हमें 2 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ा, लेकिन बहुत ही जाकर तो बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी मंदिर को देख के और अंदर भगवान जी को दर्शन करके। और अब हम बाहर आए हैं तो कुछ लोग इस तरह से है पर, और चलो अब थोड़ी देर यहाँ पे देखते हैं और बाद में मिलते हैं। हेलो गाइस, तो टिकट मिल गई, सुदामा सेतु देखने हम जा रहे हैं। 5 5 5 1 2 3 4 5। तो कहाँ जाना है हमें? सुदामा सेतु के लिए। तो चलो अंदर जाके देखते हैं, यहाँ से देखो यहाँ सामने लिखा हुआ है। गाइस, नाम है इस पुल का सुदामा सेतु, ऊपर जाके देखते हैं। हेलो गाइस, तो ऊंट सवारी कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई, कैसा लग रहा है? वो डर लग रहा है, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है भाई? हेलो गाइस, मेरे फ्रेंड से पूछता हूँ कैसा रहता है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मजा आ रहा है। सही बात है। देखा इस, तो बहुत ही एक अच्छा फील हो रहा है, डर भी लग रहा है और मजा भी आ रहा है। तो ऊंट के ऊपर बैठ के कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। हम तीन लोग हैं एक ऊंट पर, वो 2 लोग हैं, देख सकते हैं आप। तो अभी तो चला सामने जाना है। नो ब्लॉग है देने हो।
भाई रेगिस्तान में ऊंट चला रहे हो। अरे बहुत बढ़िया सीन आ रहा है हमारा। ये सही है गाइस, ऊंट पर जाओ और रेगिस्तान जैसा फील, और सामने समुद्र है तो गाइस एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है गाइस। देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये हाँ हमारा ड्राइवर मुकेश हमारा ड्राइवर है देखो, और हमारे पीछे भी एक पौड़ी है, पौड़ी। फाइनली गाइस समुद्र पे पहुंच गए हैं ऊंट लेके, ऊंट की सवारी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। वाओ, द्वारका आके तो गाइस दिल बहुत खुश हो गया है। पहले तो मंदिर में ही पॉजिटिव वाइब्स, और अब यहाँ पे समुद्र पे आके वो भी ऊंट पर। गाइस तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, हम सुबह आ गए थे 6 बजे दर्शन के लिए, लाइन में खड़े रहे थे, उसके बाद पीछे आए मंदिर के पीछे जो समुद्र वहाँ पे गए, और हम यहाँ से अब फिर से वापस जा रहे हैं, कुछ इस तरह का रास्ता है, तो यहाँ से अब जहाँ भी जाएंगे देखेंगे।